जहांगीर और नूरजहां। सन 1605 में अकबर के देहांत के बाद अकबर के सबसे बड़े बेटे सलीम ने मुगल साम्राज्य के शासन को संभाला। शासक बनने के बाद सलीम जहांगीर के नाम से जाने गए। जहांगीर का मतलब है पूरे जहां पर विजय हासिल करने वाला, दैट इज कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर का शासनकाल सन 1605 से 1627 तक का था। जहांगीर का सैन्य रूप से झुकाव कम ही था। उनके शासनकाल के अधिकतर राजनीतिक कदम उनकी पत्नी नूरजहां से जुड़े हैं। वैसे तो जहांगीर ने कई शादियां की थीं, पर उनमें से नूरजहां की भूमिका अहम है। मेहरुनिसा या नूरजहां बेहद खूबसूरत और बुद्धिमान थीं। नूरजहां का मतलब ही है दुनिया को रोशन करने वाला, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। नूरजहां और जहांगीर की शादी सन 1611 में हुई थी और आने वाले समय में नूरजहां जहांगीर की सबसे करीब और प्रिय पत्नी बन गई। जहांगीर के प्रेम और अपनी बुद्धिमता के कारण नूरजहां का प्रभाव राजनीति में नज़र आने लगा। वह एक शक्तिशाली व प्रभावपूर्ण रानी की तरह सामने आने लगी। राज्यसभा व अन्य राजनीतिक बैठकों में नूरजहां का प्रभाव समय के साथ बढ़ गया। जहांगीर के फैसले भी नूरजहां से प्रभावित होने लगे। नूरजहां कदम कदम पर अपनी वीरता और प्रशासनिक कौशल, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का प्रदर्शन समय के साथ करती चली गई। हालांकि नूरजहां के शासन पर काफ़ी विवाद हैं। नूरजहां के पिता इतमादुद्दौला और भाई असफ खां को प्रशासन में ऊँचे अहदे पर कर दिया गया और नूरजहां के साथ साथ उनका प्रभाव भी बढ़ता चला गया। इसके कारण बाकी मंत्रियों और जनता के बाहर के लोगों में जनता के खिलाफ ईर्ष्या और शत्रुता बढ़ गई। जनता राजा के या कहिए नूरजहां के करीबी लोगों का गुट था। समय के साथ नूरजहां की राजनीतिक भागीदारी इतनी बढ़ गई कि वह झरोखों पर बैठने लगी। मंत्रियों को आदेश देने के साथ फरमान भी अपने नाम पर जारी करने लगी थी। यही नहीं, बादशाह बेगम के नाम से सिक्के भी निकल गए। राजनीति के अलावा नूरजहां सांस्कृतिक तौर से भी जहांगीर को प्रभावित करती रहीं। वे एक कवियत्री भी थीं और साज सजावट में भी काफ़ी रुचि रखती थीं और सौंदर्य बोध, दैट इज एस्थेटिक सेंस में भी उत्तीर्ण थीं। जहांगीर की तरफ रुख करें तो ये ज्ञात होता है कि जहांगीर सौंदर्य विज्ञान में रुचि रखते थे। उनका ज्ञान चित्रकला, दैट इज पेंटिंग्स, और वास्तुकला, दैट इज आर्किटेक्चर, अलग ही लुभावना और प्रभावपूर्ण है। जहांगीर प्रकृति के करीब थे और पेड़ पौधे और पशु पक्षी के बेहद शौकीन थे। जहांगीर ने नूरजहां के लिए श्रीनगर में 1619 में शालीमार बाग बनवाया था। इसके अलावा जहांगीर महल, अकबर का मकबरा और इतमादुद्दौला का मकबरा भी जहांगीर के ही शासनकाल का है। इसके अलावा लघु कला, दैट इज मिनिएचर पेंटिंग, जहांगीर के शासनकाल के दौरान एक ऊंचे स्तर पर थी, जो हमें अलग अलग चित्र व पोर्ट्रेट्स में देखने को मिलता है। इस समय की कई चित्रों में पेड़ पौधे व पशु पक्षी की ओर जहांगीर का लगाव झलकता है। साथ ही यूरोप की कला और वास्तुकला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जहांगीर ने अकबर के शासनकाल के चित्रों को भी सुरक्षित रखवाया और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में जहांगीर द्वारा बनाई गई 74 पेंटिंग रखी हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट मोर सच एकेडमिक वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू कंस्ट्रक्टिंग माइंड्स।